तो आज ले जाने वाला हूँ मैं आपको हरियाणा के पंचकुला जिले में पिंजौर शहर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सुरेश ऑफिशियल चैनल। तो गाइज फिर से आज मैं एक न्यू ब्लॉग के साथ आया हूँ। तो काफ़ी दिन के बाद आपका भाई एक न्यू ब्लॉग के साथ आया है। तो आज के ब्लॉग में क्या होने वाला है आपने तो टाइटल देख लिया होगा। तो आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ पिंजौर गार्डन की खूबसूरत आबादियों पर। तो पिंजौर गार्डन जो है वो यहीं पे चंडीगढ़ से पीछे को है, 1 घंटा लगता है यहाँ से, 21 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जो भी शिमला वाले टूरिस्ट आते हैं तो इस गार्डन पे ज़रूर आते हैं क्योंकि ये है इतना खूबसूरत। तो चलते हैं, बढ़ते हैं ब्लॉग की ओर। ये व्यू यहाँ का है बाहर का, गेट के बाहर। तो या वहाँ से हम एंट्री लेंगे अभी। तो सबसे पहले अंदर जाने के लिए हमें 25 की एक टिकट लेनी पड़ती है, तो उसके बाद हम अंदर जा सकते हैं, एंट्री करते हैं। तो आप हमारे संग जुड़े रहिए, अंदर का व्यू दिखाएंगे। तो हमारे रेस ऑफिसर टिकट काट रहे अंदर जाने के लिए, तो आप देख सकते हैं। चले घूमने वाले देखो, जल महल, फूड कोर्ट, रंग महल, रेस्टोरेंट, रानी महल और शीश महल। शीश महल तो ये है सामने, जो आपको दिख रहा है, दिखाओ ये, बिल्कुल शीश महल बिल्कुल सामने है। बाकी हम आगे बताते रहेंगे कितने महल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का नाइट व्यू कितना अच्छा है। तो यहाँ के चारों ओर आपको काफ़ी सुंदर सी लाइटें दिख रही है जो कि चेंज भी हो रही है, कभी रेड, कभी येलो, कभी ब्लू। तो आप देख सकते हैं जो कि यहाँ की खूबसूरत प्लेस को काफ़ी शोभा दे रहा है। आपको पिंजौर गार्डन की कुछ हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। पिंजौर गार्डन की स्थापना पंजाब के मुगल गवर्नर फिदोई खान ने 1760 से 1761 में की थी। तो कुछ कारणवश उन्होंने पिंजौर गार्डन छोड़ा क्योंकि यहाँ पानी काफ़ी दूषित हो चुका था, काफ़ी बीमारी आ गई थी, उन्होंने फिर पिंजौर गार्डन छोड़ना पड़ा। कुछ समय के बाद पिंजौर के बागों को पटियाला के राज्य परिवार ने ले लिया और अपना अविकास घर बना दिया। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो यहाँ के राजा थे यादविंदर सिंह ने पिंजौर गार्डन को भारत सरकार को दान कर दिया। तो तब से इस गार्डन को यादविंदर बाग के नाम से भी जाना जाता है। तब से ये एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी बन गया, तो लोग दूर दूर से यहाँ घूमने आते हैं। तो ले चलते हैं आपको शीश महल। तो आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर की लाइट कितनी ब्यूटीफुल है। तो ये शीश महल है, इसको शीश महल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह शीशों से बना हुआ है। तो इसकी जो चित्रकारी है ऊपर देख सकते हैं आप, तो शीशों से की गई है। कृपया दरवाज़ा ना खटखटाएं। कितना अच्छा है यहाँ का व्यू। तो ये हमारे भाई लोग हैं, इनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ। ये सिस्टर है हमारी, ये भी सिस्टर है, ब्रो है। हेलो गाइस, हेलो करो। हाय गाइस, आज देखिए फोटो पिंजौर गार्डन। वाओ, चांद दिखाओ, दिखाओ चांद, दिखाओ चांद।
चले महल की ओर। तो यहाँ से नीचे पौड़ियाँ है थोड़ी जाने के लिए नीचे की तरफ। देख सकते हैं यहाँ का ब्यूटीफुल प्लेस कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ इसका फाउंडेशन देखिए कितना अच्छा है और इसका पानी कितना अच्छा लग रहा है। इधर उधर जा रहे हैं और थोड़ी से मेरे को ठंडा महसूस भी हो रहा है। इस टाइम बहुत गर्मी लग रही थी तो ठंडा महसूस हो रहा है इसके सामने। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्लेस है यहाँ का। तो ये रंग महल के पीछे का फाउंडेशन है, ये बैकग्राउंड है आप देख सकते हैं। तो वहाँ जाके वो औरंगजेब अपनी पत्नी के साथ चाय पीते थे शाम के टाइम। उसके साथ चलते गए हम, थोड़ा आगे भी चलते हैं। तो अब चलते हम नीचे। तो यहाँ से भी थोड़ी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है। तो गाइज आज मैं नाइट में इसीलिए आया, तो मैंने आपको यहाँ का पिंजौर का नाइट प्लेस दिखाना था। यहाँ का नाइट का यहाँ व्यू था कितना अच्छा था, क्योंकि सबने यहाँ का ब्लॉग दिन को बनाया था। मैंने सोचा रात को जाके मैं बनाऊँगा। तो आप इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तो यहाँ का प्लेस भी आप देख सकते हैं इतना ब्यूटीफुल है। वो दीदी आया फोटो ले रहे। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट महल की ओर। तो मैं बता दूं जो ये पिंजौर गार्डन है 100 हेक्टेयर की विशाल दूर तक फैला हुआ है। तो चलते हैं जल महल की ओर। तो मेरे को तो दूर से ही काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी सुंदर लाइट जल रही है। यहाँ की जो लाइटें हैं वो खुद भी खुद चेंज होती जा रही है। आपको बता दूँ यहाँ की जो लाइटें हैं नीचे फर्श में फिक्स की गई है, जिसके कारण यह काफ़ी दूर तक फैल रही है और काफ़ी सुंदर दिख रही है। तो मेरे को यहाँ पे काफ़ी अच्छी फीलिंग भी आ रही है। ऊपर भी यहाँ पे काफ़ी सुंदर चित्रकारी की गई है। तो इसके साथ दीवार में भी काफ़ी सुंदर चित्रकारी की गई है। तो अभी आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि नाइट में अभी नहीं दिख रहा होगा आपको। तो मैं आपको बता दूं विसाखी के दिन अप्रैल से जून के बीच हर साल में वो फेस्टिवल भी मनाया जाता है। यहाँ पे विशाल स्तर से मनाया जाता है। इसमें केवल सुंदर पेड़ पौधे नहीं, एक मिनी चिड़ियाघर और एक जापानी उद्यान और एक शानदार सीढ़ी और कुछ इस तरह का प्लेस है जो कि पिकनिक नाम से बहुत मशहूर है। जो ये गार्डन है वो यहाँ की हरियाली और फाउंडेशन के कारण बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ही मशहूर है। तो लोग दूर दूर से यहाँ पे घूमने आते हैं। तो आपको मैं दिखा दूँ जो ये सीढ़ी आपको दिख रही है, तो जो सीढ़ी का जो साइड वाला सिरा है तो इसमें लाइट फिक्स की है। आपको दिख रहा है कुछ गोल गोल सा, तो इसमें लाइट फिक्स की गई है। कितनी अच्छे से फिक्स की है। ये है हवा महल। इसको हवा महल क्यों कहा जाता है? इसको हवा महल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस महल के सामने
पेड़ पौधे और इसके पीछे भी पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हवा आती है। तो अभी भी मेरे को हवा आ रही है हल्की हल्की, तो हवा छोड़ रहा था, इसीलिए इसका नाम हवा महल रखा है, आई थिंक ऐसा सुना था मैंने। तो ये है बाहर जाने के लिए दरवाज़ा, जो कि बहुत ही प्राचीन दरवाज़ा है, इसको लॉक किया गया है। तो चलता हूँ मैं अब वापसी की ओर, तो आपको मैं थोड़ा यहाँ का व्यू बता देता हूँ। और कुछ लोगों का मानना है कि पांडव भाइयों ने अपने निष्वासन के दौरान कुछ समय यहाँ पे आराम किया था। अगर आप भी कभी यहाँ पे घूमने आए, पिंजौर आए, यहाँ से नीचे कभी कहीं भी चले गए, तो आपने एक बार ज़रूर पिंजौर गार्डन आना है नाइट के टाइम, और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, अच्छी फीलिंग भी आएगी। तो यहाँ पे ज़रूर आना, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है गाइस, तो इसको मिस कभी नहीं करना। तो मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हर संडे को कभी भी आ जाता हूँ यहाँ पे घूमने। तो ये है चिल्ड्रन पार्क, जो कि मेन गेट के बिल्कुल सामने है। तो बच्चे यहाँ पे उछल कूद रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं, और काफ़ी सुंदर भी है ये।